काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पहले से बहुत बदल चुकी है। और फारगीन जामिया आलिया अरबिया जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि पहले से क्या डेवलप हुआ, क्या तरक्की हुई है, आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो के अंदर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हेलो, कैसे हैं भाई आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फाइनली मैं जामिया आलिया अरबिया मऊ में आ चुका हूँ। वही जामिया आलिया अरबिया जहाँ से मैंने आलमियत किया, वही जामिया आलिया अरबिया जहाँ से मैंने फजीलत किया। और दिल्ली से मैं अचानक घर गया। घर पे जाने के बाद बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे आलिया में हैं, उन लोगों ने फ़ोन किया कि जब घर पे आए हो तो जाहिर है हम लोगों को मिलना चाहिए। और ऐसे टीचर्स, ऐसे असातिज़ा जिन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया, और जामिया आलिया अरबिया जिसने मुझे चलना सिखाया, जामिया आलिया अरबिया की बदौलत आप लोगों से बातचीत हो रही है। अगर जामिया आलिया अरबिया ना होता तो शायद आप लोगों से बात ना हो पाती। यही जामिया आलिया अरबिया है जहाँ से मेरे चैनल का शुरुआत हुआ था। आप देख सकेंगे मेरे चैनल पे जो भी वीडियो है, सबसे पहले 26 जनवरी के प्रोग्राम का, जो 26 जनवरी में जो प्रोग्राम हुआ था हम लोगों का, काफ़ी आलीशान प्रोग्राम हुआ था। ऐसे जामिया की तारीख में कोई शायद प्रोग्राम ना हुआ हो। तो यहीं से मेरे चैनल का शुरुआत हुआ था। उसी जगह मैं हाजिर हूँ, जामिया की मस्जिद में। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जो वीडियो, मैं पूरे बिल्डिंग का तो नहीं दिखा सकता क्योंकि जगह जगह पे इसके बिल्डिंग बने हुए हैं, मिर्ज़ा हादीपुरा में और कहाँ कहाँ। तो मैं फाइनली अभी मस्जिद में हूँ, जामिया की मस्जिद में, और जामिया की मस्जिद की बिल्डिंग को दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो बिल्डिंग है, मैं चाहता हूँ एक एक करके उसको दिखाऊँ। मेरे पास माइक नहीं है, वरना बैक कैमरे से दिखाता। माइक का प्रॉब्लम आप लोग समझ सकते हैं, अचानक मेरा आना हुआ था और मैं माइक भूल गया था। और फारगीन जामिया आलिया अरबिया जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जामिया के अंदर क्या क्या तरक्की हुई है आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। और मस्जिद में आप देख सकते हैं ये रेलिंग लग चुका है, गेट लग चुका है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये जामिया आलिया अरबिया की मस्जिद है। मैं अभी जाऊँगा बाहर, और जा कर के बाहर क्लासरूम जो है, तालाब है, फील्ड है, और भी बहुत सारा चीज़ है जो डेवलप हुआ है, उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए जामिया आलिया अरबिया मऊ की जो मस्जिद है, ये अंदरूनी मंजर है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और अभी काफ़ी बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो मेरी आवाज़ और वीडियो की जो क्वालिटी है, हो सकता है थोड़ा सा लो आए, लेकिन अगर जामिया के फारगीन हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो ये ज़रूर बताएंगे कि आप कहाँ से देख रहे हैं, आप कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं जामिया आलिया अरबिया के तालाब के पास खड़ा हूँ, वही तालाब जो बहुत मशहूर हुआ करता है। जब जामिया आलिया अरबिया की बात करी जाती है तो लोग तालाब से मिसाल देते हैं, वही तालाब हमारे पीछे देख सकते हैं। और वो जो देख रहे हैं, जिस रास्ते से वो भाई आ रहे हैं, वो मेन रास्ता है यहाँ हॉस्टल में आने के लिए। अब जैसे ही यहाँ पर आएँगे, आपको सीढ़ी पर चढ़ते हुए अहलन व सहलन मरहबा लिखा हुआ मिलेगा, उसी के साइड में वेलकम। और इसी तरीके से मैं फिर तालाब की तरफ आपको लेकर के चलना चाहता हूँ। और ये देखिए, ये तालाब है, ये वही तालाब है जो पहले काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लेकिन ये देखिए फील्ड बन चुका है। आधा से ज़्यादा तालाब फील्ड के शक्ल में तब्दील हो चुका है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर स्टडी करते हैं, जो यहाँ पर पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट के लिए कि यहाँ पे खेल सकें, और खाना खाने के बाद या सुबह फजर बाद अगर दौड़ना हो, टहलना हो, तो वो यहाँ पे आसानी से टहल सकते हैं। ये वही तालाब है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना वो तालाब। काफ़ी मछलियाँ उसमें, अभी बहुत सारी मछलियाँ हमने देखा है। वीडियो हमारी सही नहीं आ रही है, बारिश होने की वजह से बारिश हो रही है, अभी मूसलाधार बारिश है, तो आवाज़ भी हो सकती है हमारी क्लियर ना आ रही हो, लेकिन मूसलाधार बारिश होने की वजह से हमारी वीडियो की आवाज़ की क्वालिटी भी अलग हो गई हो। वो तालाब है, ये जाल है, जाल है, उसके अंदर पानी है। और ये जो देख रहे हैं, जिसमें ये जो रखा हुआ है घास वस है, ये है फील्ड। अब मैं उधर भी लेकर जाऊँगा और बताऊँगा है क्या चीज़ जामिया आलिया अरबिया में। और हमारे पीछे देख सकते हैं ये गली है, उधर टोटी लगा हुआ है, जब जोहर के वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे तो काफ़ी यहाँ पे भीड़ हो जाया करती थी, तो इसके लिए लगाया गया ताकि आसानी से
लड़के वहाँ पे वजू कर सकें। मैं अभी क्लासरूम की तरफ जाना चाहता हूँ और क्लासरूम की तरफ जाऊँगा और जाने के बाद थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि क्लासरूम को भी दिखा दिया जाए कि यहाँ पे क्लासरूम ये देखिए इतना खूबसूरत है। तो फिलहाल मैं क्लास की तरफ एंट्री कर चुका हूँ और ये जो रूम देख रहे हैं हमारे पीछे, ये चपरासी के लिए जो घंटी लगाया करते हैं और ये प्रिंसिपल ऑफिस शेखुल जामिया की ऑफिस। और हमारे पीछे देख सकते हैं ये क्लासरूम कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर जो देख रहे हैं वो बिल्डिंग, वो फजीलत की क्लास है, दौरा की क्लास, उसी से जो आखिरी साल के जो लड़के होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उसी में उनकी पढ़ाई होती है। मैं भी वही मेरा आखिरी था, उसके बाद फिर यहाँ से तो जाना पड़ा, जो काफ़ी याद आता है मुझे। और याद ही आने की वजह है जो मैं यहाँ पे आया हूँ, और आ करके मेरी पूरी कोशिश है ताकि जितना भी यहाँ पे जो कुछ भी डेवलप हुआ है, जो कुछ भी तरक्की हुई है, उसको दिखाना चाहता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पहले से बहुत बदल चुकी है। और फारगीन जामिया आलिया अरबिया जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि पहले से क्या डेवलप हुआ, क्या तरक्की हुई है, आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो के अंदर आप बताएँगे कमेंट बॉक्स में। ये देखिए ये ऐलान बॉक्स है और ये देखिए लाइब्रेरी, पहले जो तलबा की लाइब्रेरी हुआ करती थी स्टूडेंट की, वो उस साइड में हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पे ये शिफ्ट हो चुका है, आज ही हुआ है। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ इसको खोल करके दिखाना। यहाँ पे देखिए वो सामा भाई और ये सलमान भाई हैं। दिखाइए दिखा, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा दिखा दूँ अंदर। और ये देख सकते हैं ओसाम भाई, सलमान भाई, ये लोग थोड़ा सा काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी साहब तो इधर देख भी नहीं रहे हैं, काफ़ी मशगूल हैं और मसरूफ़ हैं और मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। और इसी से थोड़ा सा हट करके आप देखें वो जो खिड़की दिखाई दे रही है, बारिश हो रही है काफ़ी देर, मैं तो जा नहीं सकता, नहीं तो भीग जाऊंगा और मेरा मोबाइल भी भीगेगा। वो जो खिड़की दिखाई दे रही है वो कैंटीन की खिड़की है, वहीं से जा करके हम लोग नाश्ता किया करते थे, लेकिन जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं वो लोग उसमें जा करके नाश्ता करते हैं। शाहिद भाई की कैंटीन है, शाहिद भाई चलाते हैं। तो अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था, सलमान भाई आए और आकर के बोले कि वो सिर्फ ओसामा वसी नहीं कहना, ओसामा वसी कहानी वाला, यानी कहानी वाला इनका चैनल है यूट्यूब पे, और बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कहानी अब कहानी बताते हैं वो, ओसामा वसी कहानी वाला। तो मैं सोचा कि नहीं, अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। और ये अखबार इस पर लगाया जाता था, और ये आप देख सकते हैं दारुल इकामा हॉस्टल, ये हॉस्टल है, लाइट नहीं है, बारिश काफ़ी हो रही है, मूसलाधार बारिश है। मैं चाहता था कि अंदर ले जाकर के दिखाऊं, लेकिन दिखाई नहीं देगा, तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं लगता अंदर लेकर जाऊं। और ये देखिए, और सबसे पहले मैं तो यहाँ पे मस्जिद से शुरू किया था वीडियो, लेकिन सबसे पहले इधर क्लासरूम की तरफ गया, क्लास रूम इम्पोर्टेंट होता है यहाँ का। और ये मस्जिद के बगल फ्रिज लगा हुआ है पानी पीने के लिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो गुसलखाना है, जो गुसल खाना है स्टूडेंट के लिए, उसको भी दिखाया जाए, काफ़ी खूबसूरत है। जब हम लोग पढ़ा करते थे और आखिरी क्लास में थे तो उसी वक्त ये बना था, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें थोड़ा सा डेवलप हुआ है, थोड़ी सी तरक्की हुई है। आप ये देख सकते हैं यही गुसल खाना है, और इस साइड में भी नल है और इस साइड में भी टोटी लगा हुआ है, दोनों साइड टोटी उधर काफ़ी लंबा है। और ये कपड़ा उपड़ा धुलने के लिए, मतलब एक साथ मुझे लगता है 40-50 आदमी यहाँ पर नहा सकते हैं। हम लोग नहाए भी हैं, बहुत मज़ा आता है। कल जुमा था ना, मैं भी यहीं पे नहाया था, इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि पुराने पुराने और वो सैफुर्रहमान अभी बारिश में नहा करके यहाँ पे नहा रहा है, वहाँ पे बता रहा था गलती से भी मेरी पिक नहीं आनी चाहिए, तो पिक तो नहीं, वीडियो में वो है, कोई दिक्कत नहीं है। और जुमे के दिन मैं भी नहाया था, काफ़ी मज़ा आया था यहाँ पर, क्योंकि पुराने पुराने स्टूडेंट थे, हमारे दोस्त थे, साथ में आए, और साथ में आने के बाद नहा रहे थे, काफ़ी मज़ा आ रहा था, मज़ाक, बहुत मज़ा आया हम लोगों को नहाने में। और ये हॉस्टल का दूसरा गेट है, हॉस्टल का दूसरा गेट है, दो गेट है हॉस्टल के अंदर जाने के लिए। अब इसी फ्रिज के बगल में ये छत पे जाने का रास्ता है, आप टेरिस पे जा सकते हैं, लेकिन मैं टेरिस पे अभी नहीं जाऊँगा, बारिश काफ़ी। ये देखिए इसी गेट से मैं एंट्री करके वीडियो शुरू किया था,
और वो जो उधर था वो दूसरा गेट था। इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में, क्या बताया जाए। ये देखिए, ये मस्जिद का जो बेसमेंट है उसमें जाने का रास्ता है। अच्छा, एक ख़ास बात बताऊँ आपको तो हैरत होगी कि जितनी बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, जितनी भी बिल्डिंग आ रही है कि इसके नीचे बेसमेंट है। ये सब बेसमेंट के ऊपर हम लोग जो भी टहल रहे हैं ना, ये सब बेसमेंट इसके नीचे है। और ये जो देखिए, ये जो जंगल लगा हुआ है, पहले ये साफ हुआ करता था। 1.5 साल से जो COVID-19 आया उसके बाद तो यहाँ पर कोई रहता भी नहीं था। जो लोग इसके देख रेख करने वाले थे वही लोग आते जाते थे, बाकी स्टूडेंट तो यहाँ पर रहते नहीं थे। तो अभी थोड़ी सफाई वफाई चल रही है। और ये देखिए, ये पहले हिप्स का क्लास हुआ करता था, लेकिन अब ये स्टाफ रूम हो चुका है। जो मुंशी में जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, तो इसमें जाहिर है उनको रेस्ट भी चाहिए। दर्जा 8 है, और इसी तरीके से दर्जा 6 भी है यहाँ पे। जो हिप्स का क्लास है वो मस्जिद में जा चुका है, और यहाँ पे मुंशी का क्लास चालू हो गया। ये देखिए, कंप्यूटर रूम है ये। और ये देखिए, ये ख़ास चीज़ इसलिए है कि यहाँ से बहुत सारे लोगों से हमारी पहचान हुई, और ये अंजुमन तहजीबुल बयान की ऑफिस है। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। ये अंजुमन तहजीबुल बयान जो मुझे काफ़ी कुछ दिया, जो मुझे इतना तजर्बा करने को दिया कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये अगर नहीं होता तो शायद मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाता। और ये देखिए, ये तालाब है, बारिश थोड़ी सी रुक चुकी है। ये तालाब है, तालाब जो येलो कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो कुलिया फातिमा तो सोहरा की बिल्डिंग है, क्लासरूम है वो। और ये देखिए, तालाब फिर से आ गया। ये फील्ड, कहने का मतलब ये है कि मैं जैसे ही स्टेशन पर उतरने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं का स्टूडेंट हूँ। दिल्ली तो साहब भूल ही गया था। मऊ जब गया उधर फैज़ियाम में भी बहुत सारी तरक्की हुई है, तो मुझे देख करके ऐसा लगा कि दोबारा एडमिशन करा लिया जाए। लेकिन वक्त नहीं है ना अपने पास, क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी खुशी हुई देख करके और लोगों से मिल करके। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी अच्छी लगी होगी। और जो लोग भी फारगीन जामिया आलिया अरबिया मुझे देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जामिया आलिया अरबिया में क्या अपडेट हुआ है। फारगीन जामिया आलिया अरबिया जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ये ज़रूर बताएं कि आप अभी कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं,